हेलो हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग कुछ नए वीडियो में। मेरा नाम है मजीगर और हम हैं अभी सनमार्ग की ओर। बस सनमार्ग पहुंच चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर और हमने लगा था यहाँ पे टेंट और हम जा रहे हैं यहाँ जगन्नाथ के साथ में। जगन्नाथ चलो लेट्स गो। हम जा रहे हैं झरना देखने के लिए ऊपर, देखते हैं वहाँ पहुँचते हैं कि नहीं, पर जाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर काफ़ी खूबसूरत झरना दिख रहा था हमें, तो हमें जाने का रास्ता शायद यहीं से निकलना पड़ेगा। आगे से निकलते हैं। ये गुंड 14 किलोमीटर दूर है। हमारी ट्रैकिंग रहेगी थोड़ी सी कम, मतलब यहाँ पर से यहाँ पर तक ही जाना है। देखते हैं, मज़ा आएगा। सुबह की वक्त है, कुछ 6 बजे हुए हैं और सनमार्ग में काफ़ी उजाला हो चुका है, पर हाँ हम जा रहे हैं। यहाँ पे भेड़ बकरियाँ बहुत सारी हैं, यहीं बैठ जाते हैं जो भी भेड़ बकरी वाले रहते हैं। आई डोंट नो, वहाँ से देख रहे थे तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल वाटरफॉल दिखता था। देखते हैं कि यहाँ से कितना कैसा दिखता है। ये भेड़, ये बकरी मुझे इस तरीके से क्यों देख रही है? अरे ले 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 ले, ओ वहाँ पर तक जाना है मुझे। देखते हैं कितना टाइम लगता है। एक्चुअली टाइम कितना हो चुका है? टाइम 6:50 हो चुका है टाइम। मे बी हाफ आवर में ऊपर पहुंच ही जाएंगे, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ जैसा रोड है। मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग वॉक पहाड़ों में कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं अपना स्वैग माउंटेन वालों का। बस ज़्यादा दूर नहीं है, आई थिंक 1 किलोमीटर, इससे लेस देन 1 किलोमीटर। और ये नज़ारा जो देख सकते हो झरना के साथ में सामने, और यहाँ से, और कल हम यहाँ से आए थे। जगन्नाथ कम हो, स्लोली आ रहा है भाई, कम। और यहाँ से जो नज़ारे दिख रहे हैं, ये माउंटेन्स जो हैं काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी खूबसूरत। और मेरे ही पीछे, जस्ट पीछे वाटरफॉल। मॉर्निंग में ऐसे जगह पे आके ब्रश करने का, जस्ट लुक एट देयर। बस हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। अब वहाँ से ट्रैकिंग शुरू किया था हमने, यहाँ से आते हुए हम पहुँच चुके हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मॉर्निंग में वॉक, हाँ मॉर्निंग में हम लोगों ने मॉर्निंग वॉक कर लिया, मॉर्निंग ट्रैकिंग। चलो, जैसे ये पत्थर काफ़ी स्लाइड हो सकते हैं, पर केयरफुली उसके ऊपर पैर रखना है, क्योंकि जब स्लाइड हो जाए तो गिरने के चांस ज़्यादा हैं। पर हम वाटरफॉल के नज़दीक हैं। ये वाटरफॉल देखने के लिए हम आए, और इससे ऊपर भी है एक, पर हम आए थे यहाँ से। हाँ काफ़ी खूबसूरत। काफ़ी ठंडी सी हवा चल रही है। ये माउंटेन देखने के बाद इस झरने के साथ हम जा रहे हैं नीचे की ओर। देखते हैं अब सोनमार्ग की ओर निकलेंगे कुछ ही टाइम के बाद में। पहले जहाँ पे टेंट हमने लगाया था वहाँ पे चले जाते हैं। पर यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी ब्यूटीफुल। ये वाटरफॉल है, इससे भी ऊपर है, पर इसके ऊपर जाना थोड़ा रिस्की होगा,
इसलिए हम नहीं जा रहे हैं, पर हम रिटर्न हो रहे हैं। पर इससे पहले यहाँ पे जाके हम लोग कुछ फ़ोटो क्लिक करेंगे। सनमार्ग अभी भी 9 किलोमीटर है। हम वहाँ से नीचे आ चुके हैं, वहाँ पे क्लाइंबिंग करते हुए ऊपर गए थे, फिर नीचे आ गए वाटरफॉल देखते हुए। अब जा रहे हैं हम जहाँ पे टेंट लगाया था, फिर वहाँ से आगे की ओर हम निकल जाएंगे सनमार्ग की ओर। और जगन्नाथ कैसा, मज़ा आया? मज़ा आया। कितना मज़ा? मज़ा ये पहाड़ी तो कम मज़ा मज़ा ही मज़ा आया। पहाड़ी कितने बड़ा है उतना तक मज़ा, इतना तक मज़ा आया। बस अपना क्या काम है, यही है ट्रैवलर का कि मज़ा आते रहे। चले निकलते हैं आगे की ओर। टेंट वेंट निकाल के हम लोग निकल चुके हैं आगे की ओर सोनमार्ग। और हमारे दोस्त लोग पानी प्यास लगी हुई है, पानी नहीं मिल रहा है। इतना नदी बह रहा है पर नदी गंदा है इस वजह से। पर हाँ यहाँ पे तो कुछ है, हमको पानी मिलता है क्या? मिल गया पानी मिल गया। हाँ अब पिएगा पानी जम के। तो पानी पीने के लिए पानी मिल चुका है, काफ़ी ज़्यादा थकान के बाद पानी पीना है कि नहीं? हाँ यार बहुत प्यास लगी है, पहाड़ों में बहुत गर्मी लग रही है और प्यास भी बहुत लग रही है, तो साइकिल थोड़ा पकड़िएगा। जाओ 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 जाओ। पे माउंटेन क्लाइंबिंग हो रहा है और मैं बैठ के यहाँ पे देख रहा हूँ, जस्ट मुझे पसंद है। ये भी कभी करेंगे टाइम होने पर, माउंटेन क्लाइंबिंग करना, ऊपर चढ़ के देखना फिर नीचे उतरना, काफ़ी मतलब मज़ा आता है। प्रिंसिपल ऑफ क्लाइंबिंग ये हैं कुछ 6 रूल्स जो क्लाइंबिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, हेल्प करेगा। यहाँ पे टनल का काम बन रहा है इसलिए काफ़ी धूल वाला रोड है, और यहाँ पे जो सीन है काफ़ी ब्यूटीफुल। ओह मज़ा आ गया, मज़े। पर रोड काफ़ी अभी रोड तो काफ़ी बेकार है, उतना अच्छे रोड है नहीं फिलहाल के लिए। ये धूल, काफ़ी ज़्यादा धूल, रोड बनने के कारण काफ़ी ज़्यादा धूल है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की राइड कुछ थकाने वाली थी, और सुबह सुबह हम लोग गए थे वाटरफॉल देखने के लिए, आप लोगों ने आगे देखा रहेगा। और फिर जो ट्रैफिक ने हमें थकाई है, और उसके बाद ऑफ हिल्स, उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे एक जगह ढूंढ के टेंट लगा लिया। काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है वैसे, रात के वक्त पे हमारे बैटरी में चार्ज नहीं था, तो ये सुबह में वीडियो को इन कर रहा हूँ। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।